नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं कुतुब मीनार, जो मेहरौली के अंदर पड़ता है। और दोस्तों कुतुब मीनार की जो टिकट है वो 35 रुपये है। आइए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ये जो प्लेस है इसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यहाँ किसी खास इंसान की मकबरा कबर है। आइए मैं आपको बताता हूँ, पूरी जानकारी आपको देता हूँ कि यहाँ पर किसकी कबर है। दोस्तों ये एरिया बाहर की साइड है, मैं आपको पीछे की ओर ले चलता हूँ और पीछे की ओर दिखाता हूँ कि वो कौन से नवाब थे जिनका यहाँ पे मकबरा है। आइए चलिए। तो ये पीछे की साइड का गेट है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी फॉरेनर भी आते हैं और काफ़ी इंडियन भी आते हैं। दोस्तों यहाँ जिसका मकबरा है जो आपको सामने अभी दिख रहा हो, दोस्तों ये मकबरा है इमाम जामीम। दोस्तों ये 1600 सदी में इसका निर्माण हुआ था और काफ़ी साल पुराना ये मकबरा है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। दोस्तों लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इनका दीदार करा करते हैं, तो इनको लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है अंदर आना, और काफ़ी अंग्रेज लोग भी आते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले चलता हूँ, अंदर की ओर दिखाता हूँ कि इनका मकबरा कैसा है, जामीम साहब का मकबरा। दोस्तों अंदर की ओर एक मकबरा है जहाँ लोग आना जाना पसंद करते हैं, और लोगों को यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना और रील्स बनवाना बहुत पसंद है। दोस्तों ये हैं वो नवाब इमाम जामीम। दोस्तों ये हैं वो नवाब जो यहाँ पे लोग ना पसंद करते हैं, आते हैं लोग। और दोस्तों मैं आपको ऊपर की बात करूँ, उसकी गुम्बद जो काफ़ी ऊंची है, 15 मीटर की इसकी गुम्बद ऊंची है। और दोस्तों आसपास खिड़कियाँ बनाई गई हैं जिससे हवा अंदर आती रहे। दोस्तों कभी आप कुतुब मीनार आते हैं और कुतुब मीनार घूमने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ ज़रूर आइए, इनका दीदार ज़रूर कीजिए आप यहाँ पे आके। दोस्तों ये बाहर का एरिया है, जो ये जो मकबरा है ये कुतुब मीनार के सटी की एकदम बाजू में है, उनका पास ही में इनका मकबरा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।